देवता। अच्छा एक बात, देवताओं को ये सौदेबाजी करने की जरूरत क्या थी? सीधे आके बैठ जाते, हजारों महात्मा बैठे थे, कोई परीक्षित अकेले को नहीं सुना रहे थे, परीक्षित के साथ और भी महात्मा लोग बैठे थे। तो देवताओं को यदि कथा ही सुनना था तो चुपचाप बैठ के सुन जाते, परंतु ना, क्यों नहीं? बोले इन मरने वाले मानवों के बीच में हम अमर देवता बैठ के कथा सुनेंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी। बड़े लोगों को पोजीशन का ध्यान रखना पड़ता है। हम सब सर्वसाधारण के बीच में कैसे बैठ जाएं? वीआईपी लोग हैं। तो देवताओं को अपने वीआईपीपन के अहंकार में कथा सुनने का मन तो हुआ, परंतु मानवों के बीच बैठना पसंद नहीं हुआ। इसलिए उनको लगा कथावाचक कोई खरीद करके ले चलते हैं, फिर स्पेशल कथा सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। और इसलिए सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिए मूर्खो। देवादिदेव महादेव शंकर भोलेनाथ कभी कुंभज ऋषि से कथा सुनते हैं? अरे ऋषियों की तो बात छोड़ दो, काग भुसुंड जी के पास आके कथा सुनते हैं। पक्षियों के बीच में बैठ करके भी राम कथा का आनंद लेते हैं जो देवाधिदेव महादेव हैं। और तुम तुच्छ देवता, ऋषियों के बीच में बैठने में भी तुम्हें लाज लगती है? तुम कितने देहाभिमानी अहंकारी हो। इसलिए न ददऊ स कथा अमृतम, तुम्हें कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठाया जाता है ताकि अहंकार त्याग करके, अभिमान को गला करके गोविंद की कथा का रसपान करें। देखो कुछ भर के बैठेगा, कोई बर्तन भरा हुआ रखा है तो भरने की फिर गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि पहले ही भरा बैठा है। पर जो खाली बर्तन रखा रहे उसमें कुछ ना कुछ जरूर भरेगा, कुछ भी भरेगा। बरसात हो रही है तो पानी भरेगा, अमृत बरस रहा है तो अमृत भरेगा। ऐसे हम जब सत्संग में बैठे तो अपने को बिल्कुल खाली करके बैठे तो जो अमृत की गंगा बहती है वो निश्चित रूप से हमारे भीतर भरेगी। इसलिए श्रोता को अज्ञ बन के बैठना चाहिए, विज्ञ बन के ना बैठे, नहीं तो नाप तौल में लगा रहेगा। ऐसी परम सुंदर भगवान की कथा जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा।